What's up guys, कैसे हो कैसे मंडली, वेलकम बैक माई YouTube चैनल वॉन्टर अजिंक्या। आई होप ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज मैं टीवी नहीं देखने वाला हूँ, तो आज टीवी बंद रहने वाला है, ऐसा ही शो पीस जैसा मटेरियल रहने वाला है। मेरे को एक बात कहनी है गाइज, जो आपको हैबिचुएटेड हो जाते हो, जिस चीज़ की आदत लग जाती है, आप एडिक्टेड हो जाते हो, उस चीज़ को हफ्ते में एक दिन आपसे दूर रखिए। तो मैं ये टीवी बहुत देख रहा था, मतलब हर रोज़ मूवीज़ वेब सीरीज़ ये पूरे सारे देखने का। आज मैं मेरे आईपैड में या मेरे टैब में या मेरे सेलफोन पे ऑनलाइन रहेंगे, दोस्तों के साथ चैट करेंगे, थोड़ी बहुत गपशप करेंगे। हमारे जो मित्र दोस्त लोग हैं जो अदर स्टेट्स में, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो अदर स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश से मेरे कुछ दोस्त हैं, जयपुर से है, और अदर देन दैट हैदराबाद में भी मेरा एक सब्सक्राइबर हुआ था जो कृष्णा जी, आप अगर चैनल देख रहे हो तो नमस्ते कृष्णा जी, के साथ कभी कभी हम चैट करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वैसे ही कुछ हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, जो कि हमारे दोस्त लोगों से बात करेंगे कि आपके यहाँ पे कैसे हालचाल है, मतलब क्या हालचाल है आपके स्टेट में, आपके सिटी में। तो यही है, बस चैट करेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, थोड़ा कनेक्टिविटी बिल्डअप करेंगे, एंड जो भी कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स है वो तो मैं आईपैड टैब या सेलफोन में करने वाला हूँ आज, तो टीवी नहीं। ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस होते रहते हैं, आपको भी माइंड में पता नहीं चलता है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक आपके रूम में, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके रूम में अगर एक एसी हो तो आप 7 दिन कंटिन्यूसली आप एसी में बैठे हो, सो दैट इज़ नॉट गुड गाइस। एक्चुअली आपके शरीर को थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट वाला, जो नेचुरल वेदर कंडीशंस रहते हैं उसमें आपका बॉडी अडेप्ट कर ले। तो अपने शरीर को जो आर्टिफिशियल वेदर कंडीशन है उसके अलावा जो नॉर्मल वेदर कंडीशंस है तो उसमें भी अपना बॉडी अडेप्ट होना चाहिए, और माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक वो दिन रहना चाहिए कि जो एडिक्टेड हुए हो। तो इस तरह से आपको, जो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप एक चीज़ से एडिक्टेड हो जाते हो, तो एडिक्टेड मत होइए। एक दिन आपका दिमाग लगाइए कि मुझे किस चीज़ पे मैंने आज ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल है या नहीं है। सो अदरवाइज़ मुझे एसी के बिना जीना जम रहा है या नहीं, ये जितनी गर्मी है वो गर्मी सहन करने की ताकत है या नहीं। वैसे तो आज यही है कि टीवी बंद रहने वाला है। मैं बहुत टीवी देख रहा था सुबह से लेकर रात तक, सिर्फ जिम जाने के टाइम पे बंद रहता था और एडिटिंग जब करता था तब बंद रहता था बस, नहीं तो फिर सुबह उठा नहीं कि टीवी। तो अभी बजे है दोस्तों 1:25, आज का व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज सुबह सुबह मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, जो सुबह मैं जिन जिन लोगों को फॉलो करता हूँ उनके वीडियोस देखता हूँ, जो लोग डेली व्लॉग्स डालते हैं उनसे कुछ आइडियाज़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत कैसे क्रिएटिविटी है, कैसे एडिटिंग है, ये सब चीज़ें जान लेता हूँ। और हाँ, मुझे एडिटिंग स्किल्स, जो कि मुझे नियर फ्यूचर मुझे अगर कुछ नए कैमराज लेने हैं तो वो कैमरा के फीचर्स और फंक्शन स्पेसिफिकेशंस ये सब जानने की कोशिश करता हूँ। तो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स है उसके वीडियोज़ मैं ज़्यादा देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली बाइक राइडिंग के वीडियोज़, कार के वीडियोस, कार एंड बाइक्स जो भी है लॉन्च, और व्हाटएवर मार्केट में कौन कौन से नए नए ऑटोमोबाइल्स आने वाले इस साल। लॉकडाउन के सिचुएशन में भी लोग कार्स कैसे लॉन्च करते हैं पता नहीं। अभी कल ही सुजुकी हायाबुसा लॉन्च हुई है, 16,40,000 का बाइक है, एक शोरूम, वो जाएगी कुछ 20 लाख तक जाएगी आराम से, 19 लाख तो पकड़ ही लीजिए, 19 लाख तक सुजुकी हायाबुसा। सो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे हैं जो लोग को बाइक राइडिंग पैशन बहुत है, बहुत मन करता है कि वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि यार इसका रिव्यूज़ कैसा है, ये बाइक कैसा है, वो कार कैसी है वगैरह एंड ऑल दैट। कार बोला तो कार का हॉर्न बजा, देखा ऐसे टाइमिंग होना चाहिए। तो वही दोस्तों कि मुझे पूछते हैं कि ये रिव्यू कैसा है, इस बाइक का कैसा है, मैं उनको एक ही टिप देता हूँ कि भाई साहब अभी लॉकडाउन है, आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, क्या मतलब है उसका, मतलब आप चलो मान लीजिए 5 लाख की बाइक ले ली, खड़ी रहने वाली है नीचे, कुछ यूज़ नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ ना, मैं हफ्ते में एक बार उसको किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट और वार्म अप करने के लिए नीचे जाता हूँ, चेन स्प्रे लगाने नीचे चले जाता हूँ, तो खड़े खड़े उसका सिर्फ पैम्पर कर रहा हूँ वो चीज़ के लिए, उसमें से मुझे रिटर्न्स कुछ आ रहा नहीं है। तो दोस्तों सोचिए ज़रूर कि इन्वेस्टमेंट, जो कार्स व्हीकल्स जो भी है, कार्स एंड बाइक्स, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या इस साल
इज इट रियली वैल्यूएबल फॉर यू। तो प्लीज ये बात सोचिए कि इन्वेस्टमेंट मुझे तो लगता है बेकार चीज़ है, क्योंकि एट प्रेजेंट मुझे भी इस साल बाइक लेने का बहुत शौक था, मुझे अपग्रेड होना है, बिकॉज आपने देखा है कि ड्यूक 390 मेरा 2015 का मॉडल है, 6 साल पुराना बाइक, अभी जून 23 को 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे वो बाइक को, मुझे भी लगता है कि अपग्रेड हो जाऊँ। इतना पुराना बाइक आप लोग भी बोर हो जाओगे, कितना यार कितना पुराना बाइक लेकर घूम रहा है, कितना पुराना कैमरा लेकर घूम रहा है, मुझे भी अपग्रेड होने का बहुत बहुत मन कर रहा है। बट क्या है ना कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पसंद है मुझे, ऐसे डायरेक्ट हाँ आ गया चलो मन कर लिया, आज मन कर रहा है कि मुझे होम थिएटर लेना है, मैंने आज होम थिएटर ले लिया, आज टीवी लेना है ले लिया, ऐसा नहीं दोस्तों। वेल प्लानिंग होना चाहिए, 6 मंथ्स, 1 ईयरली, क्वार्टरली, ऐसा कुछ प्लानिंग होना चाहिए, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। और मेरा बजट रहता है बस ये सीक्रेट रखना है मुझे, बस आप समझ गए ना, आप लोग बहुत ही स्मार्ट लोग हो, आई नो दैट। एंड मुझे और एक बात कहनी है गाइज, जो भी नवी मुंबई कर है, जो भी अगर आप जानते हो कि कोई नवी मुंबई कर हो के व्लॉगिंग करता हो, तो प्लीज़ उसका लिंक या कुछ तो मेरे कमेंट में सेक्शन में शेयर कीजिए। ठाणे के मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, व्लॉगर्स लोग को, पर्सनली नहीं जानता हूँ, उनका नॉलेज है मुझे, उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं, बट नवी मुंबई कर ऐसा कभी सुना नहीं है कि नवी मुंबई में कोई यूट्यूब व्लॉगर है। तो मुझे प्लीज़ जो भी होंगे आप लोगों के, आप लोग उनको फॉलो करते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में उनका लिंक शेयर कर दीजिए, मैं उनसे बॉन्डिंग कनेक्शन बिल्डअप करना चाहता हूँ। तो आज अपने लंच में है पालक पनीर विथ चपाती, टीवी की तरफ पीठ घुमाकर बैठ गया हूँ आज, टीवी लगाने का ही नहीं है, और बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है, आज 2:25 हो रहा है, अपना लंच एकदम टाइम टू टाइम होता है, टाइम टू टाइम खाना, लॉकडाउन में एडवांटेज है, काम में जो लोग बिजी रहते हैं वो लोग टाइम टू टाइम खा नहीं पाते, अपन एकदम मस्त बढ़िया, खाना इतना टेस्टी हो गया, डू नॉट डिस्टर्ब मी। कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स रहते हैं जो कि कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हुआ कि मैं, मेरे डैड वहाँ पे बैठे खाना खा रहे, तो टेबल पे सब कुछ रखा है खाना, तो राइस लेने के लिए उठा गया वहाँ पे, और मैंने डैड को सिर्फ एक स्टेटमेंट कहा कि यार पालक पनीर के साथ जीरा राइस है तो क्या मज़ा आता है ना, मस्त लगता है जीरा राइस के साथ, और फिर डैड ने सिर्फ ऐसे किया, मैंने जैसे ढक्कन उठाया देखा तो जीरा राइस सरप्राइज, और एक्चुअली बहुत अच्छा ओकेजन है आज हमारे घर पे, मम्मी डैडी का एनिवर्सरी है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स करो, विशेस मोस्ट वेलकम। ये रहा वो जीरा राइस, पालक पनीर से बहुत अच्छी नींद आई है, आंखों पे आप मेरे देख सकते हो, अच्छा खासा 3 घंटा सोया था, मज़ा आ गया, अच्छा बनाया था, बहुत टेस्टी था। फिलहाल अब हम जा रहे हैं कहाँ, जिम में, जिम जाने वाला हो दोस्तों, आज कार्डियोज है डे 19, ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट तो कल हो चुका है, तो आज कार्डियोज है, वो सिर्फ हाफ एन आवर का होने वाला है, सिर्फ अपना जो कार्डियोज में ट्रेडमिल और साइकिल, बहुत जल्दी घर पे आने का है, और कल के ब्लॉग का तैयारी करना है, कुछ टॉपिक सोचना पड़ता है मुझे, एक दिन पहले मैं प्लान करता हूँ कि इस टॉपिक पे मैं बनाऊंगा, तो आज का जैसे कि टॉपिक था एडिक्शन, वैसे ही कुछ कल के लिए भी सोचना है। तो गाइस मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन अगर आपने नहीं किया हो तो, और अभी 6:45 हुए, अपना जिम खुला है, कोई तो है अंदर। सो फ्रेंड्स आज डे 19 है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो मीडियम अलाइनमेंट पे आ गया, सो ये मीडियम अलाइनमेंट के लिए मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था, सांस को कंट्रोल करने आना चाहिए, 133 बिट रेट से लेके 113 बिट रेट तक ड्रॉप किया, एंड मीडियम अलाइनमेंट मीन्स वाओ आई एम सेटिस्फाइड, हाँ बट हार्ट अभी भी इतना तेज़ दौड़ रहा है ना, धक 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 हो रहा है, वाओ अच्छा लग रहा है, ट्रेडमिल पे दौड़ के हो गया, अभी साइकिलिंग करना है 1.5 किलोमीटर्स, हे भगवान फिटनेस। तो आज कार्डियोज में पूरा पसीना पसीना हो गया है, पूरा गर्मी का भड़ास निकाल दिया है, सो जो जिम में पसीना निकल रहा है ना वो अमेजिंग रहता है, ताकि पूरे बाकी के जो 20 घंटे रहते हैं, 20 नहीं 4 घंटे कोई जिम नहीं करता, बाकी के जो 23 घंटे रहते हैं वो सुकून से बीतते हैं। और हाँ मैं एसी में बैठता नहीं हूँ, तो जैसे कि मैंने सुबह कहा था कि एडिक्शन को कंट्रोल करने आना चाहिए, सो यस। और एक बात,
खुल जा सिम सिम बोलने वाला था तब तक खुल गया। तो यही है गाइस, दो बातें मत भूलिए, कोई भी चीज़ से एडिक्ट नहीं होना है। एडिक्ट हुआ तो आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान लगा रहा हूँ और वो थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर पैशन है तो वो अलग बात है। समझ लीजिए दोस्तों, दो अलग अलग चीज़ें हैं, पैशन और एडिक्शन, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाइए। और दूसरी बात ये थी कि नवी मुंबई से कोई अगर यूट्यूब ब्लॉगर हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे लिंक भेजिए, अगर अच्छा है तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा और कोलैबोरेशन वर्क करना चाहूँगा। दैट्स इट गाइस, इतना सही रखते हैं आज के लिए। शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग अच्छा रहता है, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटने का रहता है, आप लोग तो स्मार्ट हो ही। एंड लाइट बहुत कम है, लाइट लगाया जाए। यूट्यूबर के लाइफ में लाइट होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में लाइट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं ज़िंदगी में अंधेरा हो तो क्या फ़ायदा। तो यही है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड शीघ्र मुलाकात होगी। अलविदा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बाकी सब ठीक है। Thank you.